हापुड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला प्रीत विहार श्यामनगर मार्ग का है, जहां 11 चोरों ने ट्यूबवेल के कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे स्टेबलाइजर, बैटरी आदि चुरा लिया, फरार हो गए। शनिवार की सुबह जब किसान मौके पर पहुंचा तो टूटा ताला देख उसके होश उड़ गए और उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। किसान मिंटू ने बताया कि मोदीनगर रोड पर स्थित एक स्कूल के पीछे उनकी ट्यूबवेल है, जहां शुक्रवार की रात में वह ताला लगाकर घर चले गए थे। शनिवार की सुबह जब वह पहुंचे तो देखा कि ट्यूबवेल का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ। चोरों ने इस दौरान कमरे में रखे स्टेबलाइजर, बैटरी को चुरा लिया और फरार हो गए। यह हमारी ट्यूबवेल है ब्रह्मदेवी स्कूल के पीछे। रात हम सही सलामत 7:30 बजे के बाद बंद करके गए और हम सुबह आके देखा तो ताला टूटा हुआ था और भीतर अंदर से सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उसके बाद क्या नाम है, स्टेबलाइजर, बैटरी, वो गायब है इसमें से। मिंटू ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।